स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, जो कि यह है कि वकालत क्या है। अगर आप वकालत क्या है ये समझ जाएंगे तो आप फिर ये जो आप क्या क्यों कैसे आप जो क्वेश्चंस करते रहते हैं ये आप पूछने के पहले एक बार सोचेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो आपसे बार बार ये कहा जाता है कि एक अच्छे वकील को करिए, एक अच्छे वकील को करिए अपने केस के लिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक अच्छा वकील आपके केस के लिए होना क्यों जरूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ साथ ऑल के ऑप्शन में जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। या अगर आप चैनल के वीडियोस देखते रहते हैं पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद फिर आप बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वकालत क्या है। एक बार कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप बैठा हुआ था, वहां पर एक वकील साहब आते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि वकील साहब आप ये बताइए कि वकालत क्या है। वकील साहब ने कहा, अच्छा आपको जानना है कि वकालत क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा और उसको समझना आपको है। तो उन बच्चों ने कहा, चलिए ठीक है हम लोग समझेंगे, आप बताइए। वकील साहब ने कहा, एक बार मेरे पास दो लोग आए, एक बहुत गंदा इंसान था जो कि बहुत सालों से या बहुत महीनों से लग रहा था कि वो नहाया नहीं हुआ है, और दूसरा इंसान बहुत साफ सुथरा था, वो बिल्कुल लग रहा था कि अभी तुरंत ही नहा के आया है। तो वो लोग आए अपने ये केस को लेकर के, तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले जाइए नहा कराइए, उसके बाद फिर मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। फिर वकील साहब ने पूछा बच्चों से, अब आप बताइए कौन नहा कराएगा दोनों में से। बच्चों ने कहा, जो गंदा है वो नहा के आएगा। वकील साहब ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, जो गंदा है उसे तो सफाई का मतलब ही नहीं पता है तो वो क्यों नहा के आएगा, लेकिन जो साफ सुथरा है वो जरूर नहा कराएगा क्योंकि उससे मैंने कह दिया है कि आप नहा कराइए। फिर वकील साहब ने पूछा, अब आप लोग बताइए कि कौन नहा के आएगा। बच्चों ने कहा, जो साफ सुथरा है वो नहा के आएगा। वकील साहब ने कहा, बिल्कुल गलत, जो साफ सुथरा है वो क्यों नहा के आएगा, उसे तो नहाने की जरूरत ही नहीं है, जो गंदा है वो नहा के आएगा क्योंकि वो गंदा है। अब आप लोग बताइए कौन नहा के आएगा। उसमें से दो बच्चों ने तुरंत जवाब दिया, वकील साहब जो गंदा है वो नहा के आएगा। वकील साहब ने कहा, बिल्कुल गलत, यहाँ तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, जो गंदा है वो क्यों नहा के आएगा, उसे तो साफ सफाई का मतलब ही नहीं पता है, जो साफ सुथरा है वो नहा के आएगा। फिर पूछा, अच्छा अब आप लोग बताइए कौन नहा के आएगा। वो लोग कहे कि जो गंदा है वो नहा के आएगा। वकील साहब ने कहा, बिल्कुल गलत, दोनों नहा के आएंगे क्योंकि जो साफ सुथरा है उसे नहाने की आदत है और जो गंदा है उसे जरूरत है नहाने की। वकील साहब ने कहा, अब आप लोग बताइए कि कौन नहा के आएगा। उसमें से जल्दी से दो लोग उठ के फिर खड़े हुए, कहे कि दोनों नहा के आएंगे। वकील साहब ने कहा, बिल्कुल गलत, दोनों क्यों नहा के आएंगे, जो साफ सुथरा उसे तो नहाने की जरूरत ही नहीं है, जो गंदा है उसे नहाने की जरूरत है, जो गंदा है वो ना नहा के आएगा। अब बेचारे जो वहां पे कॉलेज स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था वो अपना सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि वकील साहब आप जितनी बार बात कर रहे हैं उतनी बात आप अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन आप जो तर्क रख रहे हैं उन तर्कों के माध्यम से ये लग रहा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, जितनी भी बात आप कर रहे हैं आपकी सारी बातें सही लग रही हैं, आपके सारे तर्क सही लग रहे हैं। वकील साहब ने कहा, यही तो है वकालत, कि जरूरी ये नहीं है कि सच्चाई क्या है, जरूरी तो ये है कि आप अपने तर्कों को कितने संभावित तरीकों से रख सकते हैं, आपके तर्क संभावित होने चाहिए ना कि उनमें सच्चाई होनी चाहिए। शायद आज के इस एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आ गया होगा कि वकालत क्या होती है। इसीलिए आप जब भी कोई भी वकील करके अपने मामलों के लिए, तो आप ये देखिए कि वो जो पहले के वो केसेस जो वो हैंडल कर चुके हैं उसमें उन्होंने अपने तर्कों को किस तरह से रखा है। कहीं ना कहीं से आपको आपके आसपास जो लोग होते हैं, हो सकता है कि उनके माध्यम से आपको उस वकील के बारे में जानकारी मिल जाए, या आसपास के लोगों से आपको, आप जब कोर्ट में जाते हैं आपको किसी न किसी के माध्यम से उनकी जानकारी मिल जाए। तो आप अपने केस को जब भी किसी भी वकील को दीजिए तो ये देखते हुए दीजिए कि वो आपके केस को कितने अच्छे तरह से हैंडल कर सकता है। अगर आप ये बात देख लेंगे तो आप अपने केस को जीतने में हमेशा ही सफल होंगे, किसी भी केस में आपको फिर असफलता नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो को बनाने का मतलब बस इतना सा था कि आपको ये समझाया जा सके कि वकालत क्या है और आप अपने केस को किस तरह से जीत सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा
कि इस वीडियो के माध्यम से क्या आपको कोई जानकारी मिली है, क्या आपको कुछ पता चला या आपको क्या समझ में आया, तो इस बात को आप जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ और आपको जानना है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।